बगहा में एसएसबी जवानों ने किया रक्तदान, कमांडेंट डॉक्टर ममता अग्रवाल, News9 Times। पश्चिमी चंपारण बगहा से नवल ठाकुर की रिपोर्ट। पश्चिमी चंपारण जिला के बगहा पुलिस जिला अंतर्गत बगहा में 65वीं वाहनी सशस्त्र सीमा बल बेतिया बगहा के सीमांत प्रशिक्षण केंद्र पटकौली बगहा दो मुख्यालय के प्रांगण में सोमवार को रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन 65वीं वाहनी सशस्त्र सीमा बल के द्वितीय कमांडेंट पंकज डंगवाल एवं कमांडेंट चिकित्सा डॉक्टर ममता अग्रवाल ने संयुक्त रूप से किया। रक्तदान शिविर में 65वीं वाहनी एसएसबी व 21वीं वाहनी एसएसबी के अधिकार और अन्य कर्मियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। रक्तदान शिविर में कमांडेंट चिकित्सक डॉक्टर ममता अग्रवाल व GMCH बेतिया मेडिकल के डॉक्टर KMP परवे, टेक्नीशियन जीत बंधन सिंह सहित चिकित्सा कर्मियों की देखरेख में संपन्न किया गया। इस दौरान 40 एसएसबी के कर्मियों द्वारा रक्तदान किया गया। रक्तदान के दौरान 65वीं वाहनी एसएसबी के कमांडेंट चिकित्सा डॉक्टर ममता अग्रवाल ने रक्तदान के महत्व पर प्रकाश डाला और उन्होंने बताया कि रक्तदान एक जीवन दान है, साथ ही साथ मानवता के प्रति अमूल्य दान है। अधिकारियों व जवानों को रक्तदान को प्रेरित किया। News9 Times। आज 65वीं वाहिनी कैंप परिसर में डोनेशन ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया। मैम, क्या क्या कुछ खास है आज? 1 अक्टूबर को नेशनल ब्लड डोनेशन डे के रूप में हम लोग मनाते हैं। इस उपलक्ष्य में हमें आदेश प्राप्त हुए थे ब्लड डोनेशन कैंप करने के लिए, जिसके उपलक्ष्य में क्योंकि 1st को तो हम नहीं कर पाए, पर 1st to 31st अक्टूबर किसी भी दिन जो हमें बेतिया से जो ब्लड बैंक से जो भी हमें डेट मिली थी उसके हिसाब से आज हमें डेट मिल पाई थी। उस उपलक्ष्य में हम दोनों बटालियन 65 वाहिनी और 21वीं वाहिनी दोनों मिलकर हम ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन कर रहे हैं। तो जवानों अपना ब्लड डोनेशन कर रहे हैं इसमें ना? इसमें जवान जो है अपनी स्वेच्छा से ब्लड डोनेशन कर रहे हैं जी। ये ब्लड जो जवानों द्वारा दिया जाएगा मैम, डोनेट किया जाएगा, तो कहाँ दिया जाएगा मैम? ब्लड जवानों द्वारा दिया जा रहा है, ये ब्लड बैंक बेतिया और वहाँ से डॉक्टर साहब और उनकी टीम आई हुई है, वो यहाँ से कलेक्ट करके ब्लड बैंक बेतिया में जाएगा और वहाँ से नीडी पर्संस को दिया जाएगा। आपका नाम मैम? डॉक्टर ममता अग्रवाल।